क्या योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस परीक्षा को दोबारा करने का दिया है आदेश? क्या है खबर की पूरी सच्चाई, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको लगता है कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है और दोबारा होना चाहिए तो आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार मिशन रोजगार के तहत पुलिस महकमे में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराई गई है। 60,244 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए 17 और 18 फरवरी को परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पोस्ट करके दावा किया गया कि 17 और 18 फरवरी को आयोजित होने वाली परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक के दावों को गलत बताया है। भारतीयों और प्रशासन के बीच चल रहे दावों को उठापटक के बीच सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो में कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की हमने कह दिया कि पूरे पेपर को निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पड़ताल के क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की पुलिस परीक्षा रद्द करने का दोबारा से आयोजन करने का आदेश दिया, तो इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने वायरल वीडियो को एक रिफ्रेम को सर्च किया। हमें आज तक के यूट्यूब चैनल पर 28 नवंबर 2021 को अपलोड किया गया वीडियो मिला। इस वायरल वीडियो का हिस्सा मौजूद है। वीडियो के कैप्शन में दी गई जानकारी के अनुसार यह वीडियो यूपी के देवरिया का है, जहां योगी आदित्यनाथ ने यूपी टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर लीक होने वाले संबंध में यह बयान दिया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पेपर लीक करने वालों को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन अब बहुत से लोग इस वीडियो को कटिंग करके और एडिट करके यूपी पुलिस भर्ती से जोड़कर इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या यूपी पुलिस का एग्जाम दोबारा होना चाहिए या नहीं? आप अपनी व्यक्तिगत राय में जो कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।